अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आप सबको नमस्कार। बैठिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सब बैठिए। अपने माननीय प्रधानमंत्री, हाँ, मोदी की देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए इस एक महीने कैनरा बैंक ने 90,000 का लोन दिया, 90,000 का, तो वही पैसों से मैंने सर मेरा बर्तन खरीदे और मेरा व्यवसाय को आगे बढ़ाया। और मेरे दो बेटे होने के कारण था, तो मेरा बड़ा बेटा बारगांव में पढ़ रहा है फ्रांस में, तो उसके पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए था सर। तो मुझे मुद्रा एजुकेशन लोन भी मिला, एजुकेशन लोन के साथ में भी मुझे स्वनिधि का भी लोन मिला सर। स्वनिधि कैसा? आप एजुकेशन का लाभ और स्वनिधि का लाभ? हाँ सर, ये सब मुझे आपकी वजह से मिला सर। आपने योजना नहीं लाश नहीं भेज सकती थी। अच्छा, ये योजनाएं प्राप्त करने में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी या नहीं सर? बैंक में आपने अप्लाई किया और मिल गया? नहीं सर, मुझे दिक्कत। जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है, लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और मैंने देखा है नौजवान तो आजकल सेल्फी का भरपूर उपयोग करते हैं, गाड़ी के साथ अपनी सेल्फी भी करवा लेते हैं और वो अपलोड भी करते हैं। पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन करवा दी है। इन सभी की लाभार्थी महिलाओं को बनाया गया। योजना के अंतर्गत 2 करोड़ ग्रामीण महिलाएं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल, भाषा, नॉर्थ साउथ धर्म की संस्कृति का के आधार पर बांटने के प्रयास करते हैं। ये बहुत दुख की बात है। जब मैं उसको लेके आई थी वो 2.5 साल की थी, तब मैंने सोचा था मैं कैसे उसको पढ़ाऊंगी, कैसे क्या करूंगी, लेकिन जैसे ही मुझे एक मौका मिला, मैंने अपनी जॉब के साथ साथ मेरी बच्ची को पढ़ाया, एक किराए के मकान में रही, सूत्र में पिरो रही है। पूरे देश के लोग आज इस सपने से जुड़ गए हैं और उसे पूरा करने में अपना योगदान। अवसर मिला यहाँ पर आकर बोलने का, थैंक यू, धन्यवाद मान्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि आज मैं कुछ कर सकती हूँ। महिला किसी से कमजोर नहीं होती है। शेयर भी किया है प्रधानमंत्री जी, 2047 में जब देश विकसित होगा तो वह विभाजन के भी होगी। देश ने विभाजन की पीड़ा, अब तक 1,80,00,000 लोगों ने भारत को विकसित करने में अपना योगदान देने का संकल्प लिया है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाखों लोगों ने अपना अनुभव शेयर भी किया है। अब मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व ने बदली है देश की तस्वीर और रखी है विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की मजबूत नींव। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन ही है, जहां स्वच्छ भारत अभियान से देश को नई पहचान मिली है, वहीं तेज रफ्तार से दौड़ती मेट्रो ने शहरी आवाज। बनती है पूरे समाज में, उसका बहुत सुंदर परिणाम जाता है। और आप ही हैं जो शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करवाती भी हैं, उसका लाभ भी लेती हैं और सही लोगों तक शासन की योजना।
विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों इसी का एक रूप है कि आज देश का युवा माई भारत ऐप पर भी जोर शोर से जुड़ रहा है। विकसित भारत बनाने का जो 2047 तक का सफर है उसे अपने फायदे के लिए करते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो भारत के 140 करोड़ लोगों को फायदा दिलवाने के लिए है। भाइयों और बहनों, सरकार आपके द्वार लिए लाई है मोदी जी, जिन लिए ड्रोन दिए जाएंगे, इसके लिए उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग और लोन भी दिया जाएगा। ये स्कीम महिला सशक्तिकरण, आर्थिक समावेश एवं बताता हूं क्यों कोई देशवासी छूट ना जाए, ये चिंता थी मोदी जी की यात्राओं के तो बहुत। देखिए माननीय मोदी जी द्वारा संचालित अनंत योजनाएं जिनके कारण हमारे गरीब बहनों और भाइयों को की सेवा भी हो रही है, उनके जीवन स्तर में अंतर भी आ रहा है। गरीब परिवारों को मध्यम वर्गीय परिवारों तक, मध्यम वर्गीय स्टैंडर्ड तक लाना यही हमारा संकल्प है। जीवन स्तर बेहतर हो ये संकल्प है। माननीय मोदी जी का उद्देश्य यह है कि इन योजनाओं के तहत, इस यात्रा के तहत, ये यात्रा जिस जिस पंचायत में जाएगी, जिस वार्ड में जाएगी, वहाँ की जनता को इन सभी अनंत योजनाओं के बारे में बताया जाए और जितने हितग्राही हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं वो आकर अपनी एक्सपीरियंसेस बताएं, ताकि वो अपने आस पड़ोसी, अपने इष्ट मित्रों को ये बता सकें कि ये इस लाभ कैसे उठा रहे हैं। अभी हमने कुछ बहनों से और भाइयों के शब्द सुने जो मोदी जी से संवाद कर रहे थे, कैसे एक महिला कम से कम 100-150 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रही थी। सिंगल मदर थी, दो बच्चों की माँ थी और उन्होंने खुद इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए पहले 10,000 लिए, 50,000 लिए, एक योजना के तहत 90,000 लेके अपना केटरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा और अब स्टिचिंग का काम कर रही हैं ताकि वो 25 से 50 महिलाओं को रोजगार प्रदान। देवास विधानसभा में विशेष रूप से जो ये यात्रा जाएगी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग वार्डों में नगरी, उसको लेकर क्या कुछ विशेष निर्देश आपने दिए? 25,000 की जनसंख्या के लिए एक कार्यक्रम हमने निर्धारित किया है जैसे निर्देश है, तो उसके तहत 4 वार्डों का एक कार्यक्रम होगा, दिन में 2 कार्यक्रम होंगे। इस तरह से हम 45 वार्डों को 6 दिन में कवर करेंगे और मेरे ग्रामीण में 29 पंचायतें हैं, दिन में 2 पंचायतों को हम कल से कवर करना शुरू करेंगे। ये यात्रा दिन में 2 पंचायतों में जाएंगी, 31 तारीख तक हम इस कार्यक्रम को। क्या कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया कि अधिक से अधिक लोगों तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचे? इसीलिए इसको बहुत विस्तृत रूप से हम करेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, समय थोड़ा ज़्यादा लगे तो चलेगा, पर हर पंचायत में हम इस कार्यक्रम को विस्तार से करेंगे, जनता तक पहुंचेंगे, योजनाओं की जानकारी देंगे और हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जानते हैं कि आज 16 दिसंबर से जो हमारी विकसित यात्रा की, भारत की संकल्प यात्रा है, उसकी शुरुआत हो रही है। इसमें प्रत्येक विधानसभा वार्ड बेसिकली आज से ही हमारी बहन आ गई है। आज हमारा इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये योजना काफ़ी समय से चल रही थी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव थे, आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत अभी चुनावों के बाद हुई है। इस योजना के अंतर्गत जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका अधिक से अधिक अवेयरनेस जनता में हो। यदि कोई हितग्राही हमारे छूट गए हैं तो उनका पंजीयन हो जाए, और इसके अलावा जो हमारी बैंकिंग की योजनाएं हैं जैसे कि बीमा की योजनाएं, पेंशन की योजनाएं, उनका प्रचार प्रसार, आयुष्मान भारत की योजना का प्रचार प्रसार, उज्ज्वला योजना की
आपका प्रचार प्रसार, हर प्रकार की संपूर्ण जो हमारी हितग्राही संस्थाएं उनका प्रचार करना अच्छे से और आम जन तक उसका लाभ पहुंचाना, यही इसका उद्देश्य है। सर कितनी तारीख तक ये कंटिन्यू यात्रा बनी रहेगी और कितने स्थानों को चयनित किया गया है इस यात्रा के? ये यात्रा 16 दिसंबर से शुरू होकर 26 जनवरी 2024 तक लगातार चलती रहेगी। यदि हम स्थानों की बात करें तो ये यात्रा की जो वैन है प्रत्येक दिन 2 ग्राम पंचायतों में जाएगी, और नगरीय निकायों की यदि हम बात करें तो नगरीय निकायों में 10,000 के मान से एक शिविर आयोजन होगा और नगर निगम में 25,000 के मान से एक शिविर आयोजन होगा। इस प्रकार यदि हम देवास नगर निगम की बात करें तो 12 शिविरों का आयोजन इस पूरी अधिवेशन में होगा। क्या इस यात्रा के माध्यम से हितग्राहियों को सीधे लाभ देने की भी इसमें योजना है? जैसे कि आज हम देख भी रहे हैं, इस योजना में जहाँ जहाँ हमारी वैन्स जाएंगी वहाँ पर हितग्राही मूलक कैंप्स लगाए जाएंगे। इन कैंप्स में जिला अधिकारी भी बैठेंगे, जो हमारी समस्याओं का जो हमारा सॉल्व करना है, जो मौके पर हो सकता है अवश्य उसको मौके पर ही सॉल्व करेंगे, अन्यथा उन आवेदनों को ले लिया जाएगा। जो हल करने लायक होंगे, पात्र होंगे, उनका अवश्य इसी समय सीमा में 26 जनवरी से पहले उनका हल किया जाएगा, और जो पात्र नहीं है उनको मौके पर बताया जाएगा, अन्यथा बाद में लिखित में हम सूचना करेंगे कि आप इसके पात्र नहीं हैं।